तो सर सैमसंग M51 जब से लॉन्च हुआ है तब से मार्केट में छोटा सा कन्फ्यूजन हो गया है कि यार वन प्लस नॉर्ड लिया जाए या फिर सैमसंग के M51 को तवज्जो दी जाए। तो यार जाहिर सी बात है, मतलब दोनों फ़ोन काफ़ी हद तक सिमिलर हैं और बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर सेम है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में इन दोनों फ़ोन को कंपेयर करने वाले हैं इनके लुक्स, डिज़ाइन, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी और बाकी सारी चीज़ों के साथ। और लास्ट में बताऊँगा माई ब्लाइंड एडवाइस कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, किसके अंदर आपको ज़्यादा फ़ायदा है। तो फटाफट से बिना किसी इस की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस फ्रेश कमाल एपिसोड के अंदर। आप देख रहे हैं टेक्निकल गॉसिप। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा, वैसे देखा जाए तो ये दोनों फोन मतलब काफी हद तक सिमिलर हैं। थोड़ा बहुत लुक्स के अंदर इन दोनों के अंदर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, एक बाकी लगभग काफी हद तक तगड़ा इनका क्लैश है। सबसे पहले अगर मैं सैमसंग A51 की बात करूं तो थोड़ा सा ये बल्की फोन है। इसका एक बड़ा USP है कि इसकी 7000 mAh की बैटरी जो कि 2 दिन आपके आराम से चलेगी, और बैक के अंदर आपको ग्लास्टिक वाला फील आएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि ये प्लास्टिक है। सैमसंग इसको कहता है ग्लास्टिक। और वहीं वन प्लस नॉट के अंदर आप बात करते हैं तो फ्रंट और बैक के अंदर आपको ग्लास देखने को मिलेगा, और दोनों के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। दोनों के अंदर ही आपको क्वाड कैमरा सेटअप बैक के अंदर देखने को मिलेगा। सैमसंग के अंदर वही टिपिकल वर्टिकल सेटअप देखने को मिलेगा। सैमसंग के अंदर आपको वही थोड़ा रेक्टेंगुलर वर्टिकल सेटअप देखने को मिलेगा। चार चार आंखें हैं और कैमरा स्पेक्स की हम बात थोड़े बाद में करेंगे। फ्रंट के अंदर सैमसंग के अंदर थोड़ा सा डाउनसाइड है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का ही प्रोटेक्शन है, लेकिन उसी के पलट यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा 6.7 इंचेस का, जो कि काफ़ी बड़ा है। और बाकी आप रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो 1080 2340 वाला आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। वहीं है नॉर्ड के अंदर 1080x2400, मतलब काफ़ी हद तक सेम ही है। यहाँ वन प्लस नॉर्ड के अंदर एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट वाला पैनल देखने को मिलेगा, वहीं 60 हर्ट्ज़ मिलेगा सैमसंग A51 में। और नॉर्ड के अंदर SDR 10+ का सपोर्ट भी है, जो कि एक थोड़ी सी मतलब बेटर बात है, थोड़ी सी अच्छी बात है। और बाकी अगर आप फ्रंट से देखते हैं तो दोनों ही फ़ोन थोड़ा डिफरेंट दिखते हैं। वहीं आपका सैमसंग के अंदर सेंटर के अंदर आपको एक पंच होल देखने को मिलेगा डिस्प्ले, और ये क्योंकि सुपर एमोलेड पैनल है तो आपको वो डार्क स्पॉट जो दिखते हैं LCD पैनल्स के अंदर वो भी देखने को नहीं मिलेंगे। वन प्लस के अंदर आपको डुअल पंच होल, जो कि थोड़ा सा एक बोनस ऐड कर देता है, थोड़ी एकदम अल्ट्रा वाइड अगर सेल्फीज लेनी हो तो आप थोड़ा सा वन प्लस आपके लिए बेटर परफॉर्म करेगा। और दोस्तों वहीं अगर आप वन प्लस नॉट के डिस्प्ले की बात करते हैं तो 6.4 इंचेस का एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा, जिसको ये फ्लूइड डिस्प्ले कहते हैं। और यहाँ पे आपको एस्पेक्ट रेशियो 20:9 का देखने को मिलेगा। वहीं सैमसंग A51 के अंदर आपको 19:5:9 का एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा सा दिखने में बल्कि हो सकता है सैमसंग का फ़ोन, लेकिन बाकी कोई कमी नहीं है भाई साहब लुक्स के अंदर। और हाँ दोस्तों, एक मेजर फ़र्क है, वन प्लस जो है एक 5G फ़ोन है और ये 4G फ़ोन है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और आप बात करते हैं थोड़ा सा इसके एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म की, तो दोनों ही एंड्रॉयड 10 के ऊपर चलेंगे। सैमसंग के अंदर One UI देखने को मिलेगा, यहीं वन प्लस नॉट के अंदर आपको Oxygen OS, जो कि थोड़ा सा क्लीन OS है। और बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूँ सैमसंग A51 की, तो उसके अंदर ब्लूटूथ आएंगे। और एक वैसे हमने वीडियो बना रखा है डिटेल में सैमसंग A51 के ऊपर, वो ऊपर मैंने आई बटन पर लगा दिया, जाके आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको डिटेल में देखना है तो। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस की, यानी ताकत की, कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पे वन प्लस नॉट थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एज लेता है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 765G देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को जिनको नहीं पता, जी मतलब गेमिंग है। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ सैमसंग A51 की, तो वहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिलेगा। वैसे अगर स्टैट्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो वन प्लस नॉट जो है 765G जिसके अंदर आता है, वो 20% बेटर GPU रेंडरिंग कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर एड्रीनो का 620 GPU देखने को मिलेगा। वहीं सैमसंग A51 के अंदर आपको एड्रीनो का 618 वाला GPU, थोड़ा सा आपकी रेंडरिंग स्लो रहेगी, लेकिन ओवरऑल सीधी सी बात है 765 थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देता है। और बाकी इसके जो Geekbench के स्कोर्स या Antutu स्कोर्स हैं वो भी बेटर ही हैं। दोस्तों अगर आपको ये कंपैरिजन अगर पसंद आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन उसको डेफिनेटली प्रेस करना। और अगर वीडियो नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, वीडियो डिसलाइक जरूर करें, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट कर देना आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। अब अगर मैं बात करता हूँ कैमरा की, तो यार यहाँ पे काफ़ी हद तक मतलब डिफरेंट गेम है, क्योंकि सैमसंग के अंदर आपको 64 MP का मेन शूटर देखने को मिलेगा, जिसका अपर्चर है F1.8 और सेंसर की साइज 1x1.73 इंचेस। मतलब सीधी सी बात है, थोड़ा सा मैथ कर लेते, सेंसर की साइज के अंदर नीचे वाला नंबर जितना बड़ा होगा उतना सेंसर की साइज छोटी होगी, और सेंसर की साइज छोटी होगी तो उतनी कम लाइट अंदर जाएगी, और जितनी कम लाइट अंदर जाएगी उतनी आपको मक्खियाँ दिखेगी, उतनी लो लाइट की परफॉर्मेंस की आपकी बैंड बच जाएगी। वहीं अगर आप वन प्लस नॉट की बात करते हैं तो 48 MP का सेंसर F1.8, सेंसर की साइज 1x2 इंचेस, जो कि थोड़ी सी छोटी है।
थोड़ी सी काफ़ी छोटी है। वहीं अगर आप सेकेंडरी शूटर की बात करते हैं तो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर f2.2 123 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। नॉर्ड के अंदर 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल f2.3 और 119 डिग्री का अल्ट्रा वाइड एंगल व्यू जो कि काफ़ी हद तक एक्सेप्टेड है। तो बाकी दोस्तों डेप्थ सेंसर्स की बात करते हैं तो दोनों फोन के अंदर 5 मेगापिक्सल के शूटर्स देखने को मिलेंगे f2.4 दोनों के अंदर सेम चिपका है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ सैमसंग के अंदर एक और एक्स्ट्रा सेंसर दिया गया है वो है आपका मैक्रो शूटर्स 5 मेगापिक्सल f2.4। और वहीं दोस्तों वन प्लस नॉट की बात करूँ तो f2.4 के साथ 2 मेगापिक्सल का शूटर चिपका दिया गया है। यहाँ मैं हर बार बात करता हूँ कि यार ये आपके मैक्रो शूटर की जगह थोड़ा सा मतलब मेहनत करके एक टेलीफोटो जूम लेंस डाल देते तो मतलब सीरियसली मज़ा आ जाता। यार ये वन प्लस 8 वालों ने भी यही मतलब किया है, मतलब सीरियसली यहाँ दिक्कत होती है मुझे। और बाकी दोस्तों अगर हम बात करते हैं सेल्फीज़ की तो अगर आपको सैमसंग A51 के अंदर 32 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा f2.0 और सेंसर की साइज़ 1/2.8 इंचेस देखने को मिलेगी। वहीं अगर वन प्लस नॉट की बात करता हूँ तो वहाँ पे भी आपको 32 मेगापिक्सल का सेंसर लेकिन अपर जो छोटा हो जाएगा f2.5 और सेंसर की साइज़ वही सेम 1/2.8 इंचेस। और एक वहाँ पे एक वाइड एंगल शूटर भी है 8 मेगापिक्सल का जिसके अंदर आपको f2.5 105 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू जो कि काफ़ी हद तक एक्सेप्टेड रेंज के अंदर है। दूसरा कैमरा की परफॉर्मेंस के अंदर मैं कहूँगा कि यार सैमसंग की परफॉर्मेंस बेटर रहेगी क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे छोटे मोटे फीचर्स और भी हैं जैसे सिंगल टेक करने के बाद आपको मल्टीपल फोटोज़ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नॉर्ड के अंदर ये फीचर मिसिंग है। और अगर नॉर्ड देखा जाए थोड़ा एक तरह से क्लीन UI है, मतलब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं पर्सनली वन प्लस के काफ़ी सारे फ़ोन्स यूज़ कर रखे हैं, अभी भी कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको UI बहुत क्लीन मिलता है, बहुत ही मिनिमल या फिर ना के बराबर ब्लूटूथ देखने को मिलते हैं, बट स्टिल काफ़ी तगड़ा फ़ोन है वन प्लस नॉट। अब फाइनली बात करते हैं बैटरी की, मतलब इसमें तो क्लियर कट विनर है सैमसंग A51। 7000 mAh आर की बैटरी और सैमसंग का पहला एम सीरीज़ का फ़ोन जिसके अंदर इतनी बड़ी बैटरी है। और बाकी आपको 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी जो कि आपके फ़ोन को अप्रॉक्सीमेटली 115 मिनट के अंदर पूरा चार्ज कर देगा। वहीं वन प्लस नॉट भी कम नहीं है, 4115 mAh आर की बैटरी, 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग जो दावा करता है कि 70% फ़ोन को चार्ज हो जाएगा कर देगा इनफैक्ट 30 मिनट्स के अंदर, वो भी काफ़ी एक्सेप्टेबल रेंज में। मतलब वन प्लस नॉट की बैटरी कहीं से भी कम नहीं है बट सैमसंग A51 की बहुत ज़्यादा है, मतलब सीरियसली मतलब कोई आप कमेंट कर ही नहीं सकते। और सैमसंग A51 का एक प्लस साइड ये है कि आपको यहाँ पे 3.5 mm जैक देखने को मिलेगा, वन प्लस नॉट के अंदर वो देखने को नहीं मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ माई ब्लेंड एडवाइस की ये सारा निचोड़ लगाने के बाद तो पर्सनली मेरे को सैमसंग का फ़ोन थोड़ा सा बेटर लगा। रीज़न बीइंग कि कैमरा वाला परफॉर्मेंस आपको बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा और आप अनटिल अनलेस आप एकदम कॉम्पिटिटिव गेमिंग या फिर मतलब बहुत ज़्यादा गेमिंग के अंदर नहीं है, आपको नॉर्मल यूजर्स के लिए फ़ोन लेना है तो सैमसंग का फ़ोन ले सकते हैं, थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। रीज़न बीइंग कि अब हम आएंगे प्राइस और वेरियंट्स के ऊपर तो आपको डेफिनेटली बात है सैमसंग के फ़ोन लेने चाहिए A51। और इससे थोड़ा सा अगर आपके पास बजट कम है तो सैमसंग M31S भी ले सकते हैं, उसके ऊपर एकदम झामफाड़ वीडियो हमने बना रखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर ऊपर चिपका देंगे जाके आप देख सकते हैं। और वन प्लस नॉट क्यों नहीं लेना चाहिए, बेसिकली 2-3 चीज़ें, थोड़ा सा कैमरा के अंदर वो पीछे है, बैटरी वाला डाउनसाइड है, मतलब इसका प्लस है तो उसका ऑटोमेटिक सी बात है डाउनसाइड हो जाएगा। प्रोसेसर के अंदर नो डाउट वन प्लस नॉट विनर है क्लियर कट, तो आप अपनी नीड के हिसाब से देख लीजिए कि आपको क्या करना है। और बाकी अगर आप सैमसंग का इक्वलेंट मॉडल अगर कंपेयर करते हैं वन प्लस नॉट से वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, वो अभी हम बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ वेरियंट्स की और प्राइस की तो सैमसंग A51 के एकदम क्लीन फंडा है, 6GB 128GB और 8GB 128GB। 6GB वाले की पड़ेगी प्राइस 24,999 और 8GB वाले की पड़ेगी 26,999। अब बात करते हैं वन प्लस नॉट की, बड़े ही स्मार्टली 6GB 64GB, मतलब आज की डेट में कोई 64GB लेता ही नहीं होगा शायद ही, मतलब बहुत बजट में टाइट है वो बंदा ले लेगा। तो वहाँ पे सीधी सी बात है, मतलब 64GB आपकी जो स्टोरेज है वो कम ही पड़ती है। तो अगर मैं बात करता हूँ वन प्लस नॉट की 664 वो पड़ेगा 24,999, देन आपका 8GB 128GB 27,999, एक 12GB 256GB का भी डिवाइस है इनके पास जिसकी प्राइस है 29,999। तो यार सीरियसली मतलब जो बंदा 30,000 तक पैसे खर्च करेगा वो बंदा IQ3 ना ले लेगा, 2-3 हज़ार 4 हज़ार थोड़ा जो जुगाड़ लगा के या फिर अंबानी वाली मुर्गी से उधार लेके, तो डेफिनेट सी बात है मतलब मैं पर्सनली नॉट रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पे। और सीधी सी बात है #boycottchina, दो मैं पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ वन प्लस का लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपना वीडियो जिसमें आपको कंपेयर किया सैमसंग M51 को वन प्लस नॉट के साथ। आपको ये कंपेरिजन कैसा लगा मेरे को डिस्क्रिप्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।